नवंबर को देश का सिस्टम मानो हैंग हो गया हो? गया नहीं नहीं सरकार को कुछ नहीं हुआ इंडियन अलायंस ने कोई नया बम नहीं फोड़ा और ना ही स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ लेकिन उससे भी बड़ा हादसा हुआ न्यू इंडिया का चिराग अनंत नेताओं का चहेता सोशल मीडिया स्टार बिग बॉस विनर देश का नया यूथ आइकॉन सिद्धार्थ यादव उर्फ एलवेश भाई के खिलाफ यूपी पुलिस ने एफ दर्ज कर दी और अगर 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 ये आरोप कहीं गलती से सच निकल जाते हैं तो सात साल तक की सजा हो सकती है एलविश भाई को अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मजे की बात यह है कि इस एफ आई आर से सेल्फ प्रोक्लेम्ड कट्टर हिंदू एलविश की वाइल्ड लाइफ के बारे में काफी काले चिट्ठे खुले हैं लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं लाइक like ट्रूली जिनका खाना पीना सोना सोशल मीडिया पर ही होता है उन्हें मालूम है कि सात साल तो दूर की बात है सात दिन के लिए भी जेल नहीं जाएंगे एलविज भाई लेकिन अगर ऐसा क्यों अगर यह सवाल आप पूछ रहे हो तो आप जानते नहीं हो कि डिजिटल इंडिया ने यूपीआई को ही सिर्फ पावर नहीं दिया है पावर मिला है टू अ न्यू ब्रीड ऑफ अल्ट्रा नेशनलिस्टिक क्रिएटर्स जो क्रिएटर्स कम हैं नेता टाइप काम ज्यादा करते हैं जो लोग सोशल मीडिया पर नहीं रहते हैं उन्हें एलविश की दिव्य शक्ति के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है उसके पहुंच के बारे में कोई एहसास ही नहीं है और एलविश आर्मी के बारे में तो कोई आइडिया नहीं है कि भैया वो आर्मी जो अच्छे अच्छों को ट्रोल करके गलिया के सोशल मीडिया पर उन्हें नंगा कर देती है अरे आज तो एपिसोड एडिट करने से पहले एडिटर भी ऑफिस से भागने की कोशिश कर रहा था

कोबरा, एक पाइथॉन दो टू हेडेड स्नेक्स वन रेड स्नेक इसमें से कई प्रोटेक्टेड स्पीशीज स्नेक्स हैं शेड्यूल इन्हें रखना इनका वेनम निकालना इन्हें इस्तेमाल करना हाईली पनिशेबल ऑफेंसेस हैं लेकिन सूत्रों की माने तो एक सांप जो था वो बच निकला था साले। एनीवेज स्टोरी पर वापस आते हैं जैसा कि सोशल मीडिया स्टार्स के साथ अक्सर होता है उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वही सारा खेल गुड़गोबर कर देता है एलविश और उनके साथियों के कुछ वीडियोस वायरल हुए सोशल मीडिया पर सांप के साथ अब भाई देश का यूथ आइकॉन बनना है आज के डेट पे तो काफी मेहनत करनी पड़ती है लड़कियों को छेड़ना पड़ता है गाली गलौज करनी पड़ती है मदर सिस्टर वगैरह वगैरह महंगी गाड़ियां चलानी पड़ती है एग्जॉटिक स्नेक्स के साथ भी थोड़ा खेलना पड़ता है तभी तो मर्दानगी दिखती है यही तो है सपना नए इंडिया का अरे पहले एस्पिरेंट हुआ करते थे तो यूपीएससी वगैरह वगैरह आजकल तो सबको गैंगस्टा बनना है लेकिन सांप वाली जो बात थी ना वो गौरव गुप्ता ने नोट किया अब गौरव गुप्ता कौन गौरव है एनिमल वेलफेयर ऑफिसर एट द पीपल फॉर एनिमल पी एफ ए पी एफ ए वो एनजीओ है जो बीजेपी लीडर मेनका गांधी चलाती हैं तीस सालों से चलाती आई हैं और ये एनिमल राइट्स के लिए तीन दशकों से काम कर रहा है गौरव और इस एनजीओ ने इसके टीम इसका दावा यह है कि एलविश रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था वहां फॉरेन मॉडल जाया करती थी भजन कीर्तन के लिए यानी यह पता नहीं हमें और वहां स्नेक पॉइजन को बेचा जाता था नशे के लिए सस्ते नशे नहीं ये रोल्स रॉयस वाले नशे हैं अरे एलविश भाई का जलवा है टशन है कुछ है मेनिका गांधी के एनजीओ ने फिर एक ट्रैप तैयार किया एलविश यादव को फोन किया गया कोबरा वेनम की डील स्ट्राइक की गई एलविश ने अपने बंदे फिर भेजे फोन नंबर के साथ वेनम बेचने के लिए पैसा लेने के लिए एनजीओ ने फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और यूपी पुलिस के साथ संपर्क किया सेक्टर फिफ्टी सर्वन सरवन बैंकवेट हॉल पर छापा मारा गया एलविश के साथियों को वहीं से हिरासत पे लिया गया और उन्होंने पुलिस को का नाम भी बताया है। गौरव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने थाना उनचास में दर्ज कराई है जिसमें उसने यह कहा है कि हमने एलविश यादव से संपर्क किया था एक रेव पार्टी के लिए और सांपों की व्यवस्था करने के लिए उस पर उसने राहुल यादव नाम के व्यक्ति का फोन नंबर हमें दिया था गौरतलब है कि एफ में सारे अक्यूज के हाउस एड्रेसेस दिए हुए हैं हम आपको नहीं दिखा रहे लेकिन दिए हुए हैं लेकिन एलविश का हाउस एड्रेस ही खाली छोड़ा गया अब अब समझ में आया ये लौंडा हमेशा गाड़ी में बैठकर क्यों वीडियो बनाता था बैठ कर घर का चक्कर ही नहीं है टू मच फकीरी गोइंग ऑन आई टेल यू लेकिन मेनका गांधी का यह कहना है कि एल्विश का अब घर जेल होना चाहिए फिर हम लोगों ने कॉन्टेक्ट किया उन्हीं गिरोह के लोगों को उन्होंने भी नाम लिया इसी यादव का स्नेक के के साथ और के साथ और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में नोएडा इन, सबको तो जेल जाना चाहिए और जो इन गिरोह का जो सब लोग कह रहे हैं, मालिक है इसको भी तो जेल जाना चाहिए अब ये इस वक्त फरार है लेकिन इसको पुलिस पकड़ना चाहिए नोएडा के न्यूज चैनल आज तक के हिसाब से एलविश के पास 40 करोड़ की संपत्ति है और एडिटर को मैं बोल बोल के ये बात थक गया था कि यूट्यूब इतने पैसे कमाए नहीं जा सकते भाई हमारे पास तो जो थोड़ा बहुत पैसा आया वो एडिटर ने अपने मशीन के लिए ले लिया है और साइड हसल हमें करना आता नहीं है ये तो है यार लोगों को सब्सक्राइब बटन हम दबा नहीं पाए पचास प्रतिशत से ज्यादा लोग बिना साइड बटन सब्सक्राइब बटन यहां वीडियो देख लेते हैं तो साइड हसल तो हमसे ना हो पाएगा एनी बेहतर एलविश ने भी अपना फिर स्टेटमेंट जारी किया अपना पक्ष रखा कि भैया देखो हमें कुछ नहीं मालूम है उसने पूरा पल्ला झाड़ दिया वो इस इलीगल स्नेक कीपिंग इस वेनम सेलिंग रेव पार्टी वगैरह के बारे में कुछ नहीं जानता है और यूपी पुलिस के साथ वो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट करेगा ये उसने अपना सफाया दिया जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद है सारे फेक है एक भी इनमें सच्चाई नहीं है मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं यूपी पुलिस के साथ लेकिन इंटरेस्टिंगली कट्टर हिंदू एलविश ने यह नहीं बताया कि वो इन रेव पार्टीज में इन्वॉल्व है या नहीं वहां फॉरेन मॉडल्स आती थी या नहीं उसने प्रोहिबिटेड स्नेक्स कभी रखे थे या उनसे डील किया था या नहीं ये अरेस्टेड लोग उनसे जुड़े हैं या नहीं उनके दोस्त हैं या नहीं ये सारी अभी सफाईगिरी नहीं दी गई है अब जहां तक स्नेक वेदम की डीलिंग की बात है वैसे हमें यहां लगता है कि एलविश इतना भी बच्चा नहीं है कि वो खुद इससे डायरेक्टली इन्वॉल्व होता अगर कुछ इशू भी है और चाहे वो कंगना हो या सिद्धार्थ यादव उर्फ एलविश हो उन्हें इतना तो कॉन्फिडेंस है कि सिस्टम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा उनका साथ देगा कैसे इसी को तो कहते हैं पापा का प्यार कोई है पापा की परी कोई है पापा का वफादार सिपाही अरे भाई के आपने बताओ ऐसा कभी सोशल मीडिया स्टार देखा होगा जिसको खुद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हाथ पकड़ के उसको सपोर्ट कर रहा हो आप मुझे एक और सोशल मीडिया स्टार दिखा दो ऐसा इसको आगे बढ़ाने में, जो कुछ करना होगा कितने सोशल मीडिया स्टार्स हैं जिनका देश के सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर्स के साथ रेगुलर उठना बैठना देखिए ये सब तस्वीरें बहुत मेहनत की बात है ये सिद्धार्थ यादव उर्फ एलविश ने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत काम किया है हल्के में मत लीजिए टिकटॉक पे कम्युनल रोस्ट बनाना फिर यूट्यूब पे सेक्सिस्ट वीडियो डालना और उसके बाद तो फिर मैंने नेता टाइप रूप ही पकड़ लेना और खुद को कट्टर हिंदू और हिंदू रक्षक घोषित कर देना हिंदुओं के लिए किया होगा घंटा बस अपनी जेब भरी है लेकिन फैंस भी इस रूप से इतना प्रभावित है इतना इंप्रेस्ड है कि उनको बेवकूफ बनाना और भी आसान हो गया अरे भाई भाई, कोई बोल सकता है है क्या? फैंस है ना, मतलब इतने ज़्यादा क्रेज़ी लिटरली पागल दिमाग से पैदल बुद्धि। ये पूरा खुलासा होने के बाद भी एलविश ने एक ही चीज कहा ट्वीट करके अपनी पिन ट्वीट में भैया देखो मैं तो हिंदुओं के लिए बोलता हिम एलविश की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग उसके रोस्ट से बनी है सख्त लौंडे उसे बहुत पसंद करते थे बहुत पहले से क्योंकि उसने थर्की टाइपिस्टिक वीडियोस बनाए वो एजी लगते थे उसके कोर ऑडियंस को लड़कियों का इस्तेमाल हो उनका स्वॉपिंग हो ये सब उनको बहुत अच्छा लगता था एलविश के गंदे वीडियोस का सच ध्रुव राठी ने इस वीडियो में ऑलरेडी बयां कर दिया है उसकी पूरी टीम ने उसको रिसर्च कर दिया है मैं इसमें डिटेल में और नहीं जाना चाहता हूं नाली में गोते लगाने में मुझे कोई ज्यादा शौक है नहीं मुझे जानना है एलविश के फैंस का सच एलविश के आर्मी का सच एल्विश जो कर रहा है वो कोई भी धंधा करने वाला टाइप आदमी करता भाई पावर और प्रॉफिट मिल रहा है दो बार नाम जब दिया और मुझे पावर और प्रॉफिट मिल रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसमें एल्विश की आर्मी को मिलता क्या है लेकिन ठीक है यह सब एंटरटेनमेंट है चलो एंटरटेनमेंट में फैंस होते हैं कर लो नंगा नाच बना लो 40 मिलियन की फॉलोइंग 40 करोड़ की संपत्ति अरे चलो यार 400 करोड़ की संपत्ति बना लो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप मेरे धर्म का सहारा लेकर उसको बहसाकी बनाकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग करते हो संपत्ति बनाते हो देश में जहर घोलते हो राजनीति करते हो सिस्टम को हिलाने का दावा करते हो वहां जाकर हम जरूर लकीर खींचना चाहेंगे कॉल आउट करना चाहेंगे जय श्री राम का बोर्ड लगाकर हम भी काम कर सकते हैं हर एपिसोड में लगा सकते हैं लेकिन हम इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि भगवान राम को हम कमर्शलाइज नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो बहुत आसान है यह करना एडिटर करें ओके लो बदल दिया बोर्ड अब इसके बाद क्या मैं यहां बैठकर डेटिंग एप्स बेचूंगा या लोगों को गाली बकूंगा लेकिन एलविश के लिए यह करना भी ठीक है उसके फैंस को भी कोई आपत्ति नहीं होती है यार भाई एडिटर एक्चुअली ना ये प्लीज हटा दो भगवान श्री राम के सामने ना मैं, 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 मैं सांपों का नाम नहीं लूंगा हाँ तो पहले आप मुझे यह बताओ कि अगर एलविश हिंदुओं को बचा रहा है तो हिंदू लड़कों और लड़कियों को बचा रहा है या सिर्फ लड़कों को बचा रहा है क्योंकि अगर आप उसकी बातें सुनो तो उसमें तो लगता है कि भाई वो बातें काफी तालिबानी करता है लड़कियों को उनकी हैसियत दिखाता है और ये फिल्म शूट नहीं है

भाई बंदूक चलाने से पहले भी क्या भगवान का नाम लेते हो यह भी सीख लिया है क्या तालिबान से और तालिबान की तरह ही बंदे को एसयूवी से तो इतना प्यार है लेकिन अब बंदा भाई तरक्की कर रहा है अच्छे दिन आ गए रोल्स रॉयस लेने की ठान लिया भाई साहब एलविश ने जी वैगन पुरानी चीज हो गई भाई अब लाएंगे रोल्स रॉयस एक साल के भीतर भीतर रोल्स रॉयस खड़ी तो एलविश अपने आप को कट्टर हिंदू कहता है सबका चू बना रहा है और किसी को खबर नहीं हो रही है अरे भाई जागो हिंदू जागो ये कट्टर हिंदू का रूप नहीं है ये रशियंस को बचाने में ज्यादा बिजी है तुम्हें कब बचाएगा और अब तो वो ढिंचक पूजा से कॉम्पिटिशन कर रहा है यार जब एंटरटेनर्स एंटरटेन entertain करके स्टार बनते हैं समझ में आता है जब बिजनेसमैन बिजनेस business करके आइकॉन बनते हैं समझ में आता है जब स्पोर्ट्स पर्सन कठोर परिश्रम करके स्पोर्टिंग आइकॉन्स बनते हैं समझ में आता है जब सोशल मीडिया इंफ्लुंसर सेक्सिज्म और धर्म का ढोंग रचा के लोगों का चू बनाकर आइकॉन बन जाते हैं तब समझ में नहीं आता है भाई कॉमेंट्स में मदर सिस्टर कॉमेंट जरूर करो लेकिन अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा तो बढ़ा लो यार इतना मत गिरो कि किसी को अमीर होते देखने में ही अपनी खुशी हा भाई रोल्स रॉयस चला रहा है भाई तुम्हें क्या मिल रहा है तुम तो ठेले पर हो अभी भी अपने आप को थोड़ा बेहतर कर लो अपने आप को थोड़ा इन्फॉर्म कर लो अपने आप को एजुकेट कर लो और एंटरटेनर को एंटरटेनमेंट के लिए उसके मापदंड पर आंको उसको धर्म के तराजू पर नहीं आंको किसी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर को अमेरिका दूसरे बहुत सारे देशों में जहां सोशल मीडिया है वहां भी ऐसे फ्लैशी लाइफ वाले सोशल मीडिया स्टार्स हैं ठीक है एक्सेप्टेड है लेकिन वो कम से कम धर्म तो नहीं बेच रहे हैं पैसा कमाने के लिए भाई कुछ टाइम पहले एलबिश ने एस के बेटे आर्यन को रोस्ट किया था उसे ड्रग एडिक्ट बुलाया था आज वही इंसान खुद नशे बेचने के आरोप में फंसा हुआ है एफ दर्ज हो गई है एसआरके ने सही कहा था कर्मा भी कोई चीज होती है कुछ टाइम पहले उसने सलमान खान को खूब रोस्ट किया था खरी कोटी सुनाई थी खान से तो खासा प्यार है भाई इन इन भाई साहब को लेकिन पैसों और फेम के लिए वो वही सलमान हाउस में गया और वहां फिर आंसू भी टपकाए सॉरी भी बोला पैसे मिल रहे थे फेम मिल रहे थे कल पैसों के लिए अपने फैंस को भी बेच देगा ये इंसान भाई लेकिन देशभक्त पर हम किसी गलत फैमी में नहीं बैठे हुए हैं एलविश ना पहला है ना आखिरी इंफ्लुएंसर है जो ऐसा कांड कर रहा है और वो बच भी जाएगा उसका नाम सिद्धार्थ यादव उर्फ एल्विश है मोहम्मद जुबैर नहीं है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पुराना तीन साल जोक मार दिया उसके लिए जेल जाना पड़ा ये बात हमें समझ में आती है और इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत और ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं मिलिए नील पटेल से सेलिब्रिटी राइट विंग ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर उठना बैठना भी दूसरे बड़े बड़े इंफ्लुएंसर के साथ करोड़ों का स्कैम किया उसके बाद गायब रवि सुतंजानी फर्जी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीजेपी लीडर्स के साथ फुल एक्सेस शाइनिंग इंडिया के बारे में दमादम ट्वीट लंबी लंबी हाँकते थे ऑनलाइन सर्विसेज अपनी बेचते थे बिजनेसेस को जब एक खुलासा हुआ तो सारे सोशल मीडिया और वो सब गायब गब्बर सिंह ए ए के अभिषेक अस्थाना बिजनेसमैन है ये अपना कोई एक ऐप चलाते हैं राइट विंग गए हमारे भगवानों का मजाक उड़ाया भद्दे सेक्सिस जोक मारे हमारे भगवानों पर जब एक्सपोज हुए तो बोला उप ये तो दो तीन साल पुराने वाले जोक्स हैं अब मैं बड़ा हो गया हूं ना जेल ना बिजनेस का बॉयकॉट ना इन्हें इन सारे लोगों को कुछ हुआ ना एलबिश को कुछ होगा लेकिन सवाल यह है क्या कि उनके फैंस इस बात को देख पाएंगे कि एक नेता टाइप काम चल रहा है पैसे छप रहे हैं हिंदू हिंदू चिल्लाया जा रहा है कुछ किया नहीं जा रहा है और अपनी आर्मी को अपने अनुसार इस पर भौको उसको काटो यह किया जा रहा है अगर आप एलविश आर्मी से हो तो दो रिक्वेस्ट है प्लीज मेरी बात मान लीजिए पहले तो नीचे कमेंट्स में मदर सिस्टर खूब करो अरे डॉटर मदर सिस्टर जो करना है करो से ही तो एंगेजमेंट होगा ना तो पंद्रह बीस हजार कॉमेंट्स और गालियां होनी चाहिए नहीं तो फिर किस काम के आर्मी हो तुम अब जब ये काम कर लो तो दूसरा रिक्वेस्ट है Elvish भाई को थोड़ा बोलो ना गर्ल्स गन्स कार्स खतरे में है कभी कभी छोड़ छोड़ के जॉब पर कैपिटल इनकम जो बांग्लादेश से कंपटीशन ले रहा है सिविल राइट्स डेमोक्रेसी जो कुएं में जा रहा है प्रेस फ्रीडम उसके बारे में भी कभी बात करके देखें ज्यादा कठिन है नहीं ज्यादा दिमाग नहीं लगता है थोड़ा बस कॉन्शियंस लगता है थोड़ी सी आत्मा लगती है अगर है तो थोड़ा बात करके देखें देश के बारे में क्योंकि सिर्फ अपने बारे में अपनी जेब मोटी करने में उसमें देश की भलाई नहीं है लेकिन किंतु परंतु अगर अब भी आपको लगता है कि यह दुनिया गलत है और यह चाइना सोरोस या कांग्रेस सब एलविज को फसाया है उस पर सांप डाला है तो फिर आपके लिए मैं एक मंत्र छोड़ के जाता हूं उसी को जापो एडिटर अरे भाई के आगे कोई बोल सकता क्या आगा। आगा।